सदियों से होठों पे प्यास थी, आज समंदर देखा तो पी गए, आज समंदर देखा तो पी गए। पैदा होते ही मरने की तमन्ना थी, लेकिन आप जैसे लोगों को देखा तो हम जी गए। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने आनंद को खड़ा किया, आनंद खड़े हो जाओ और मुझे ऐसा कुछ उपाय बताओ जिसे आदमी के बाल कभी सफेद ना हो। आनंद ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मास्टर जी उस आदमी को गंजा कर दो। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने सभी लड़कों को सवाल किया तो एक लड़के ने मास्टर जी को फंसा दिया। मास्टर जी ने सवाल पूछा, लड़कों ये दरवाजा है उसमें से मैं अंदर आया, ये टेबल है, ये कुर्सी है, जनवरी महीना चल रहा है तो बताओ मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए। बच्चे लोग को पसीना आ गया, वो बोले मास्टर पागल हो गया लगता है। ये दरवाजा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये जनवरी महीना है तो उसमें मास्टर जी की उम्र कितनी होगी। आखिरी बेंच में से एक लड़का खड़ा हुआ, उसका नाम गोर्धन था। गोर्धन बोला, मास्टर जी आपकी उम्र 44 साल। मास्टर जी को पसीना आ गया, वो बोले इधर आओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 44 साल है। गोर्धन बोला, मास्टर जी मेरा बड़ा भाई है ना, वो 22 साल का है और आधा पागल है। नामुमकिन बात है यारो, फिर भी किनारों से मतदार मिलाने चला। नामुमकिन बात है यारो, फिर भी किनारों से मतदार मिलाने चला हूँ। जहरी उगलेगा जमाना, फिर भी सांप को दूध पिलाने चला हूँ। एक सैनिकों ने एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ा जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तो मैं रास्ते पर गुजर रहा था तो एक फौजी खड़ा था, मैंने कहा क्यों फौजी क्या हुआ, वो बोले हमने आज एक खतरनाक को मुजरिम को पकड़ा। वो मैं बोला ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, वो बोले पहले सुनो तो सही अच्छे की क्या करते हो, वो बोले भाग गया। मैंने कहा अरे कल के अखबार में लिखा था वो कि बाहर जाने के तमाम रास्ते उसके लिए बंद रखे, तो फौजी बोला सर मुझे ऐसा लग रहा है वो आले के रास्ते से भाग गई। मैं और शेखर सुमन जी मोगले आजम फिल्म देखने गए। मोगले तो मैंने कहा चलो ना शेखर जी, वैसे ही आजकल हमारा शूटिंग वूटिंग कुछ चल रही रहा है, घर में मुफ्त में ही बैठे। मोगले आजम देख के हम दोनों बाहर निकले, तो हम और शेखर जी बाहर निकले तो शेखर जी ने मुझसे पूछा पिक्चर कैसा लगा जाई, कलर में बढ़िया था। मैंने कहा शेखर जी वैसे तो बहुत मजा आया, फिल्म एकदम बराबर थी पर उसमें एक छोटी सी गलती रह गई थी। शेखर जी को पसीना आ गई, वो बोले अरे बेशरम हाल ही में मोगले आजम फिल्म कलर में बनी है और तुझे गलती कहाँ से दिखाई दी उस। तो मैं बोला शेखर जी उसमें हाथी काले ही रखे थे।
सारे आजकल तो वैसे टीवी नहीं बिगाड़ दिए और कैसे कैसे हीरो है आजकल के सभी बॉडी बिल्डर सुनील शेट्टी सबका टेटी और रामा टेटी ऐसे तो कई पट निकले क्योंकि सबको हीरो बनना है और गीत भी कैसे कैसे है आजकल के चुम्बा दो थुम्बा दो नहीं देना कुछ मुंबई से गई दिल्ली दिल्ली से गई पूना पूना से गई पटना क्यों गांव गांव घूमती है कहीं भी सेट हो जाना देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार तो अभी तक क्या तुझे मेरी आंखों में चीपड़े दिखाई दे रही चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे दाग है खुजली है तुझे क्या थैंक यू दोस्तों और आखिर में एक शेर सुनाकर मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगा वो पुराने हो गए और आखिर में एक शेर सुनाकर मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगा आप सबके जीवन में हर वक्त खुशहाली रहे आप सबके जीवन में हर वक्त खुशहाली रहे खुशियों के जाम छलकते रहे न कोई जाम खाली रहे आप लोगों की हर सुबह मतवाली रहे शाम हरियाली रहे आप सबकी जिंदगी में हर शाम दिवाली रहे दिवाली रहे दिवाली रहे थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच